नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जहां कल पीएम द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को रद्द किया गया था, वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसके तहत 12वीं परीक्षा पर एक अहम फैसला लिया गया है और 12वीं की परीक्षा भी अब रद्द कर दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है 12वीं क्लास के अभ्यर्थियों के लिए, जहां लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इस पर क्या फैसला आएगा, परीक्षा होगी या नहीं। इससे पहले भी डिसीजन लिया गया था कि 3 विषय की परीक्षा होने वाली है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सीएम शिवराज ने इस प्रकार का फैसला लिया है और अब परीक्षा नहीं होगी। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए और साथ में पेरेंट्स के लिए। चलिए अब इसे हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा पहले से ही रद्द कर दी थी, जबकि 12वीं की परीक्षा की तिथि घोषित करने को लेकर के जल्द ही निर्णय होने वाला था, लेकिन सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद अब मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा भी कैंसिल किया गया है। तो दोस्तों, अब सरकार की इससे पहले क्या तैयारी थी, जैसा कि इसमें दिया गया था, सरकार की पहले 3 सब्जेक्ट का पेपर लेने वाली थी, लेकिन मुख्य जो 3 विषय थे उसकी तैयारी करने, अब जो क्या पैटर्न रहेगा उसके लिए हम अगली पोस्ट में लेकर के आ रहे हैं कि क्या अगली तैयारी है सरकार की, कि किस प्रकार से अब इसका वैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, परीक्षा तो होना नहीं है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।